आज बहुत दिन बाद मॉर्निंग वॉक पे आई हूँ, काफी टाइम हो गया है। बहुत कूल सा मौसम, ठंडी बहुत लग रही है, जबकि इतना पैक होके आ रखे फिर भी बहुत ठंडा है। सड़ी, तेरे को भी लग रही ठंडी? ऐसा ठंडा लग रहा बाबू? सड़ो को तो ज़्यादा ही गर्म जी होता है, इसकी तो हालत ख़राब हो जाती है ठंड में, लेकिन बहुत ठंड लग रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। बहुत लेट हो चुका है आज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ सरोज पहाड़न ब्लॉग में, और करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। बहुत लेट हो चुका है दुकान के लिए, क्योंकि है तो ये घर की सफाई, जो मासिक सफाई होती है उसको स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके 29 तक फिर फाइनल हो जाएगा, इसलिए मैं लेट हो गई हूँ। और अब मैं जा रही हूँ दुकान में, फिर देखते हैं आज क्या क्या होता है। इसी प्रकार मेरी वीडियो में बने रहें, दिखाती हूँ आज की दिनचर्या। कैसे हो, क्या चल आपके? आपसे से मिलना रखी हूँ। कब आई तू ससुराल से? मैं 10 तारीख को आई थी। आज मेरी ननद आ रखी है, देखो दुकान में मेरी ननद ही है। शादी के बाद इसके हाल खराब हो गए हैं, इतनी मोटी ताजी लड़की थी कमजोर हो गई। कब जाना है ससुराल? 30 तारीख बाद। 30 के बाद जाएगी? अच्छा, और सुना फिर क्या क्या हो रहा है तेरे ससुराल में? कुछ सब ठीक है भाभी। सेडो का कितना बढ़िया मूवमेंट है, देखिए देखो कैसे करता है। वाह सेडो, ओहो वाह, फिर करेगा? हाँ फिर करेगा, गुड गुड गुड, फिर करो सेडो, फिर करो करो फिर सेडो। देख बाबू कितना सुंदर मौसम, बढ़िया धूप लगी हुई है, पर आज मुझे कहीं कहीं ना हल्के हल्के बादल दिख रहे हैं। बहुत दिनों बाद ही बादल दिखे हैं, ये देखो, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हल्के हल्के कहीं कहीं दिख रहे हैं, लेकिन बढ़िया सी धूप। मन हो रहा कि खटाई खानी चाहिए, लेकिन अकेले अकेले कहाँ, कुछ नहीं हो सकता है, कैसे खाएं अकेले खटाई। जब ऐसा टाइम होता है ना तो फैमिली को बहुत मिस करते हैं। जब बच्चे होते हैं तब मुझे टाइम होता नहीं है, जब ऐसा टाइम होता है तो बच्चों की बड़ी याद आती है। एक बच्चा है मेरे साथ सेडो, वो इस तरह से धूप का आनंद ले रहा है, बस इसी के साथ है, टाइम पास इसी के साथ होता है जितना भी टाइम मिलता है। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, लेकिन मुझे इसकी वजह से ना इतनी देर रुकना पड़ता है घर में, कि बेचारा अंदर ही बंधा रहता है, बंधा भी नहीं रहता है, अकेले रहता है अंदर, तो इसलिए इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आ ही जाती हूँ, आधा पौन घंटा थोड़ा इसको धूप में रख लूँ। सेडो कम 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 बेबी, कम 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 कम, सैडी सैडी कम बाबू कम, आजा यार, भाव मत खाया कर ज़्यादा, आजा आजा, गुड वेरी गुड वेरी गुड, आजा 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 आजा, कम 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 कम, बिस्किट दूंगी बाबू, आजा आजा आजा। सेडो नहीं आ रहा, मत आ यार। तो कभी कभी सेडो ना मार्केट की सैर भी कर लेता है, आज आ रखा, देखो अपनी गाड़ी को पहचान रहा होगा शायद, हर चीज नई नई चीज चाहिए होती है इसको। सेडो 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 सेडो, देखो पहचानता कि हमारी गाड़ी है, देखो वहीं को जा रहा, वहीं को जा रहा, वहीं को जा रहा, वो देखो बेटा सेडो कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, हैं कहाँ जा रहे हो तुम, सीधा ऊपर कहाँ, बिना बिना पूछे जाचे हैं, कहाँ जा रहे हो, हे भगवान, बोल दो दो कहाँ जा रहे हो। चलो ठीक है जाओ। हम सेडो की आवाज़ के लिए तरस जाते हैं,
लेकिन आज ये भौंका मैं तुमको दिखाती है, भौंकता ही नहीं है, बस कोई आएंगे तभी भौंकता है, लेकिन चुपचाप रहता अंदर। हम लोग उस पास वैसे ही हाथ पैर से करेगा जो भी, लेकिन भौंकता नहीं है। और जब कोई आता तो आज मैंने कैप्चर कर लिया कि ये भौंक रहा था। हमारे घर में कोई आया तो शैडो भौंक रहा है। शैडो कौन आया है, अंदर क्यों जा रहा फिर? अंदर थोड़ी है कोई, अंदर थोड़ी है कोई। ये राम कौन है, कौन? ए पापा रे, अरे अरे हो गया आज तुम्हारा कल्याण हो गया। तुम ना बिना पूछे जाचे गए ना, पता बता रहे हो, देख लो हैं। और कविता ये है, ये केबल वाले है राकेश, यहाँ देखना तेरा परिचय करा दी मैं। ये यहाँ के केबल ऑपरेटर हैं। क्या कह रहा है सैडो, आज मैं तेरा स्वागत कर रही हूँ, और तो मेरा स्वागत करता है ना, आज मैं कर रही हूँ। तेरे से पहले मैं पहुँच गई आज खुश हो गया सैडो, बाजार घूम के आ रहा है तो पहुँच गई हूँ मैं घर। आज सैडो का स्वागत मैंने कर दिया है, बेचारा रोज वही हमारा स्वागत करता है, कभी कभी उसको भी मौका मिलना चाहिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।